चटपटी मसालेदार राजमा तो दोस्तों आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज मैं उत्तराखंड के इंटीरियर क्षेत्र से यानी कि बिल्कुल जो हमारे सीमांत में लगे गांव हैं वहां से जुड़ी हुई एक ऐसी राजमा की दाल लेकर आई हूं, जिसको आप एक बार अगर बना लेंगे ना तो जो आजकल आप मसालेदार राजमा बनाना पसंद करते हैं और खाना पसंद करते हैं उसे तो भूल ही जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, येलो फूड कॉर्नर में आज बन रही है उत्तराखंड की एक ट्रेडिशनल डिश यानी कि राजमा की दाल। और दोस्तों साथ में मैं बनाऊंगी राली रोटी। अब कई लोग पूछेंगे कि राली रोटी क्या होती है, तो दोस्तों बस इसे जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए बनाते हैं राजमा की दाल और राली रोटी। इस राजमा की दाल को बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर साबुत राजमा एक कटोरी। और हाँ दोस्तों, ये बहुत ही किफ़ायती दाल है, एक कटोरी से पूरे परिवार के लिए दाल बनके तैयार हो जाएगी और इसको भिगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम केवल पानी में धो लेंगे, धोने के बाद तुरंत ही हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक तवा चढ़ा दिया है, ये तवा हो गया है गर्म और अब हम इसमें अपनी इस राजमा को भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको धीरे धीरे से आपको आराम से तवे में पलट देना है, और क्योंकि इसमें पानी है थोड़ा थोड़ा तो ये अभी आवाज़ करेंगे और उसके बाद ये पूरी तरीके से सूख जाएंगे और थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। दोस्तों जब ये भुनने लगे तो ये थोड़ा थोड़ा चटकेंगे और इसमें से भुनने की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है और इसी स्टेज में हम इसे तवे से निकाल के प्लेट में पलट देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हमें सिलबट्टे में कूटना है। और हाँ, केवल इसके दो तीन टुकड़े बनाने हैं, इसको पूरा बारीक नहीं कूटना है। देखिए यहाँ पर मैंने ये दाने रख दिए हैं, लेकिन दोस्तों एक बात सोचो, अगर मैं इस तरह कूटूंगी ना तो ये तो सारा इधर उधर बिखर के गिर जाएगा। तो इसके लिए मैंने ना एक टेक्निक निकाली है, आप लोगों को भी बताती हूँ। जब भी आपको इस तरीके से दाल को कूटना हो, मूँगफली कूटनी हो, तो आप इस टेक्निक का यूज़ किया कीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इस तरह इसके दो पीस करने हैं। तो इसको कूटने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कपड़े वाली थैली। ये कपड़े वाली थैली को मैं क्या करूँगी, सारी दाल ना इसके अंदर भर दूँगी और सारी दाल को इसके अंदर भरने के बाद फिर इसको हम बाहर से कूटेंगे। तो इससे होगा क्या, हमारी दाल इधर उधर बिखरेगी भी नहीं और आराम से कूट जाएगी। है ना मज़ेदार ट्रिक। क्योंकि दोस्तों ये हमने भुनी हुई है, इसलिए इसको कूटने में हमें ज़्यादा ताकत या मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 9-10 बार आप इसमें हल्की हल्की चोट मारिए और ये दाल दल जाएगी। तो देखिए कितनी बढ़िया बनी है और एक दाना भी हमारा इधर उधर बर्बाद नहीं हुआ है। तो चलिए इसको भी मैं प्लेट में पलट लेती हूँ। हमारे पहाड़ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर इस तरीके से भून के राजमा बनाई जाए तो उससे पेट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है, इसीलिए इसको भुना जाता है। तो देखिए हमारी दाल बन के तैयार हो गई है और इधर मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर पानी रखा है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो जितना इस दाल में नमक डालना चाहते हैं वो अभी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ही डाला है, थोड़ा मैं बाद में डालूँगी। और यहाँ पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि पानी जब बॉईल होने लगे तब आप इसमें दाल पलटिएगा, ठंडे पानी में दाल को मत डालिएगा। दो चुटकी यहाँ पर गदरायण का यूज कर रही हूँ, जिसको गदरायण भी कहा जाता है। अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसका ऑप्शन है अदरक, थोड़ा सा अदरक घिस के आप इसमें मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें इस राजमा को हमें 3 से 4 सीटी आने तक ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए दोस्तों, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं राली रोटी की। दरअसल राली रोटी किसे कहते हैं कई लोग जानते भी होंगे, जब मडवे के आटे में गेहूं का आटा मिला के रोटी बनाई जाती है तो उसको राली रोटी कहते हैं। यहाँ पर मैं आधा आधा यानी कि बराबर बराबर मात्रा में गेहूं और मडवे का आटा ले रही हूँ। मडवे को रागी भी कहा जाता है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इसको मलने के लिए गुनगुने पानी का, जो कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें डालते जाएंगे और सॉफ्ट आटा लगाएंगे। चलिए दोस्तों, आटा लग के तैयार हो गया है, इसको मैं ढक के साइड में रख देती हूँ और अब देख लेते हैं अपने प्रेशर कुकर को। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 सीटियाँ आ चुकी हैं, मैं फ्लेम को यहाँ पर कर दे रही हूँ ऑफ। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं मसाला। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं तड़के के लिए ले रही हूँ ये 3 चीज़, राई, 2 हरी मिर्च और लहसुन।
लहसुन को मैं छील के बारीक काट लूँगी और मिर्च को भी बारीक कट कर लूँगी। अब इन तीनों चीज़ों को रखते हैं साइड में और अब देख लेते हैं हम बाकी मसालों को। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल मसाले यूज़ हो रहे हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, यह है सब्जी मसाला और मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक मैं कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले राजमा की दाल को बॉईल करते वक्त मिक्स किया था। तो ये लीजिए दोस्तों, लहसुन की कलियाँ और मिर्च मैंने काट ली हैं। अब हम लगाएंगे दाल में तड़का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लोहे की कढ़ाई का यूज कर रही हूँ, ये लोहे की कढ़ाई में बहुत टेस्टी बनता है, तो जितना हो सके आप लोहे की कढ़ाई यूज कीजिएगा। और इसमें मैंने डाल दिया है घी, ये देसी घी है और देसी घी का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। देखिए घी गर्म हो गया है, अब ये जो तड़का है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसी बीच में यहाँ पर एक दो चुटकी इसमें हींग भी ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ही मैं यहाँ पे राई भी इसी में मिक्स कर दूँगी। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बॉईल करी हुई दाल को इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी दाल इसमें पलट दी है और एक बहुत ही ज़ोरदार खुशबू इस दाल में से आ रही है। इसका एहसास तो आपको तभी हो सकता है जब आप इसको बनाएंगे। तो लीजिए ये सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये दाल देखिए बनाने में भी कितनी सिंपल है ना, कुछ ना इसमें ज़्यादा फ्राई करना है ना ज़्यादा भूनना है और बस इस मसाले को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। एक दो बॉईल आने के बाद हम अपनी फ्लेम को बंद कर लेंगे और ग्रेवी के लिए आप इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो लीजिए दोस्तों दो तीन बॉईल आने के बाद हमारी जो राजमा की दाल है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। वाओ इतनी प्यारी अच्छी खुशबू आ रही है और अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे हरे धनिए से। दोस्तों दाल तो बनके हो गई है तैयार, अब बना लेते हैं राली रोटी। तो यहाँ पर हमने आटा ढक के रखा हुआ था, अब बस नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं ना वैसे ही बनानी है क्योंकि ये राली रोटी है, इसमें गेहूं का आटा मिक्स है, तो बस इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मैंने पहाड़ की और भी बहुत सारी रेसिपियाँ अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। जैसे कि माल्टा का अचार हो गया, भटकी चड़कोनी हो गई और वो सारी रेसिपियाँ आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आपके मन में किसी रेसिपी को लेकर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। मैं 100% कोशिश करूँगी कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। और हाँ दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बातों बातों में दोस्तों हमारी राली रोटी भी बनके तैयार हो गई है, अब बस ये सारी चीज़ें करनी है सर्व और लेना है इनका स्वाद। दोस्तों मैं यहाँ राजमा की दाल के साथ राली रोटी सर्व कर रही हूँ और राली रोटी के ऊपर रहेगा देसी घी। दोस्तों हमारे पहाड़ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मडवे की रोटी को हमेशा घी के साथ खाना चाहिए तभी वो शरीर को लगती है। दरअसल उनका कहने का मतलब ये होता है कि जो मोटा अनाज होता है जब तक उसके साथ घी ना लिया जाए तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। और दोस्तों साथ में मैंने हरी सब्जी भी सर्व की हुई है। तो दोस्तों आप बिना प्याज और बिना टमाटर वाली राजमा की दाल का मज़ा लीजिए। मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नए स्वाद के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और बाय बाय।